पीएच का नाम आपने बचपन में पढ़ा होगा, मतलब 9th-10th क्लास में पीएच का नाम सुना होगा आपने, है ना? क्या बोलते, क्या होती है पीएच? हाँ देखो, पीएच बेसिकली, ये पी जो है ना, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है। क्या होता है? इस पी का सिंपल सा मतलब होता है नेगेटिव ऑफ लॉग। आप जिस भी क्वांटिटी के आगे पी लगा दोगे, आपको उसका नेगेटिव लॉग लेना पड़ेगा। इसे पीएच है, तो पीएच क्या कहलाता है? पीएच इज बेसिकली नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस, ठीक है? ऐसे ही अगर आप पीएच या पीओएच लिख दो तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव लॉग ऑफ ओएच माइनस। याद है लास्ट क्लास केडब्ल्यू पढ़ा था, बताओ पीकेडब्ल्यू क्या बन जाएगा? माइनस लॉग ऑफ केडब्ल्यू। और इन सब में लॉग का बेस 10 होता है। लॉग लिख रहे हैं मतलब बेस 10 की बात कर रहे हैं हम लोग। ऐसे अगर मैं लिख दूं पी के ए, तो बताओ उसका मतलब भी क्या हो जाएगा? माइनस लॉग के। मैं लिख दूं पी के बी, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? माइनस लॉग के बी। तो ये आपके पास पी का सिग्निफिकेंस होता है। 9th-10th क्लास में हम सिखाते हैं कि इसे पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, बट बेसिकली एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसका सिंपल सा मतलब है किसी भी क्वांटिटी का नेगेटिव लॉग लेना। तो अगर आप पीएच को डिफाइन करो तो देखो पीएच क्या होती है। पीएच इज सिंपली द नेगेटिव लॉगरिदम, नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। किसी भी सॉल्यूशन में अगर आपको H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता है तो आप उसका नेगेटिव लॉग ले लो, तो उससे आपको क्या मिल जाएगी? उसकी पीएच मिल जाएगी, ठीक? तो हमें अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच निकालना है तो बन गया माइनस लॉग ऑफ H प्लस। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि सोल्यूशन में जो H प्लस आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 10^-2 है। अब अगर आपको इसकी पीएच निकालनी है तो बताओ पीएच इक्वल टू क्या बन जाएगा? माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस, बताओ H प्लस की वैल्यू कितनी हो गई? 10^-2। ऐसा ब्रैकेट लगाने की जरूरत है नहीं। तो देखो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ये जो पावर ए कहां जाती है? आगे। पढ़िए आप लोगों ने, तो बताओ माइनस माइनस मिल गया हो जाएगा प्लस, ये बन जाएगा 2 log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो बताओ इस सॉल्यूशन की पीएच कितनी आ गई? 2 आ गई, ठीक है? तो यहां पे आपको लॉग सॉल्व करना सीखना होगा। बेसिक बेसिक चीजें हैं, है ना, वो भी अपन सीखेंगे, काम में भी लेंगे। बट हाल फिलहाल अगर हम पीएच स्केल डिफाइन करें, मतलब पीएच को डिफाइन करें, तो किसी भी सॉल्यूशन में कितना एच प्लस है उसका आप नेगेटिव लॉग ले लो तो आपको क्या मिल जाएगी? उसकी पीएच मिल जाएगी, ठीक है? अब देखो, हमने लास्ट क्लास सीखा था वाटर के लिए। अगर हम बात करें न्यूट्रल वाटर की, तो न्यूट्रल वाटर के लिए H प्लस और OH माइनस दोनों के लिए 10^-7 मोलर होती है, और यहां से आप KW लिखते हो तो KW के लिए क्या हो जाती है? H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 10^-14। लेकिन ये वैल्यू सिर्फ कितने टेम्परेचर पर होती है? 25°C पे। तब आप देखो, मैं इसी को यूज करने वाला हूं, है ना, फिर एक साथ कॉपी कर लेना आप। देखो तो अगर मैं KW लिखूं तो KW बनेगा कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस के। तो अभी मैंने 10^-14 नहीं लिखा है, तो ये हर जगह वैलिड है, हर टेम्परेचर पर। जब मैं इसकी एक वैल्यू रखूंगा 10^-14, तो वह वैल्यू सिर्फ कहां पर आती है? 25°C पर। कहां पर आती है?
तो आप देखो दोनों साइड नेगेटिव लॉग लो तो ये बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू, इधर भी नेगेटिव लॉग ले लो तो ये बन गया नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस इंटू ओ एच माइनस। अब देखो लॉग के अंदर अगर दो नंबर है ए और बी, तो ये हम लोगों ने सीखा हुआ है, नहीं सीखा हुआ तो आप सीख लो, लॉग ए इंटू बी किसके इक्वल होता है, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। अगर आपने दो चीजों को मल्टीप्लाई करके उनका लॉग लिया हुआ है तो लॉग ए डॉट बी को हमेशा क्या लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो देखो इसी तरह से माइनस लॉग के डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस, बताओ क्या मैं इसको लॉग ऑफ एच प्लस प्लस लॉग ऑफ ओ एच माइनस लिख सकता हूं। देखो माइनस साइन को अंदर लाओ तो माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। देखो माइनस प्लस माइनस होता है, मैंने प्लस ही लिख रखा है, इस माइनस को अंदर लेता हूं, माइनस लॉग ऑफ क्या बन गया ओ एच माइनस बोले बन गया। तो ये थोड़ी देर पहले सीखा था, बताओ ये चीज क्या बन गई, पी के डब्ल्यू, माइनस लॉग का मतलब क्या है पी, तो ये पी के डब्ल्यू, बताओ ये चीज क्या बन गई पी एच प्लस ये चीज क्या बन गई पी ओ एच। तो देखो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आ गया, दैट इज किसी भी सॉल्यूशन के लिए पी एच प्लस पी ओ एच की वैल्यू किसके को आएगी पी के डब्ल्यू के। ये किसी भी टेम्परेचर पर वैलिड है, एट ऑल टेम्परेचर्स, लेकिन अगर आप एग्जैक्टली 25 डिग्री सेल्सियस पे आ जाओ, एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो बताओ 25 डिग्री सेल्सियस पी के डब्ल्यू कितना हो जाएगा, पी के डब्ल्यू तो 14 हो जाएगा, क्योंकि के डब्ल्यू कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 14। तो इस केस में पी एच प्लस पी ओ एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। तो पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल टू पी के डब्ल्यू हर टेम्परेचर पर वैलिड है, लेकिन पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल टू 14 सिर्फ और सिर्फ कहां वैलिड है 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो देखो यहां से बनता है हमारा पीएच स्केल। तो पीएच स्केल कैसे बनेगा, हम एक स्केल बना रहे हैं, स्केल में एक वैल्यू होती है मिनिमम और एक वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम। आप इस इक्वेशन को देखो, बताओ पीएच की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है जीरो, पीएच की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है जीरो, बताओ पीएच की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो भाई जब पीएच मैक्सिमम कब होगा, जब पीएच कितना हो जाएगा जीरो। तो पीएच की मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल हो सकती है पी के डब्ल्यू के। तो इस इक्वेशन में पीएच की वैल्यू जीरो से पी के डब्ल्यू के बीच में वैरी करती है, इन दोनों का जो मिड पॉइंट आता है उसे हम पी के डब्ल्यू बाय टू लिखते हैं, क्या लिखते हैं पी के डब्ल्यू बाय टू। तो आप देखो पी के डब्ल्यू जीरो से पी के डब्ल्यू के बीच की रेंज कहलाती है एसिडिक रेंज, इसकी इधर रेंज क्या कहलाती है बेसिक रेंज, और यहां पर सॉल्यूशन कैसा होता है आपका न्यूट्रल। अब ये आपने अभी नहीं पढ़ा, आपने बचपन से ये पढ़ा हुआ है, बट समझो ये किसी भी टेम्परेचर पर वैलिड है। मैंने आपको लास्ट क्लास सिखाया था कि आप देखो अलग अलग टेम्परेचर पर के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है अलग अलग होती है, 62 डिग्री पर यह होता है, 25 पर यह होता है। तो अभी ये जो स्केल है, दिस स्केल इज वैलिड एट ऑल टेम्परेचर्स, लेकिन अगर आप मुझसे स्पेसिफिकली 25 डिग्री की बात करो तो बताओ 25 डिग्री पर आपका स्केल कहां से कहां वेरी करेगा, जीरो से पी के डब्ल्यू, बताओ पी के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 14, बताओ मिड पॉइंट कहां पर आएगा 7, तो जीरो से 7 में सॉल्यूशन कैसा होगा एसिडिक, और 7 से 14 में सॉल्यूशन कैसा होगा बेसिक। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम एक स्केल डिफाइन करते हैं, जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है वही 0 से 14 वेरी करता है, मिड पॉइंट 7 पे आते हैं, हम न्यूट्रल बोलते हैं। लेकिन 0 से 14 कब अप्लीकेबल है, जब टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री, टेम्परेचर 25 के अलावा कुछ और हुआ, लेट्स से
मान लो मैं आपसे कहता हूं एट 62 डिग्री सेल्सियस, तो बताओ 62 डिग्री सेल्सियस पर kW की वैल्यू 10 टू पावर माइनस 13 है। तो अगर kW 10 टू पावर माइनस 13 है तो बताओ pKW कितना हो जाएगा, 13। माइनस पावर को आगे ले आओ सीधे सीधा। तो बताओ अब आपका स्केल कहां से कहां वेरी करेगा, 0 से 13। बताओ मिड पॉइंट कितना होगा इसके, इधर एसिडिक और इसके इधर क्या होगा, और अब 6.5 कौन सी पीएच है, न्यूट्रल पीएच। समझ पा रहे हो? तो देखो 25 डिग्री पे न्यूट्रल वाटर की पीएच कितनी थी, 7। बताओ अब पीएच कितनी हो गई है, क्या वाटर अब न्यूट्रल नहीं रहेगा, रहेगा। पीएच 6.5 आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि वाटर एसिडिक हो गया है, नहीं नहीं, पीएच 6.5 क्यों आ रही है, क्योंकि अब स्केल क्या हो गया है, छोटा हो गया है। पहले स्केल कहां से कहां तक था, 0 से 14, अब स्केल कहां से कहां तक है, 0 से 13। वाटर का नेचर चेंज, आपका स्केल क्या हो गया है, छोटा हो गया। तो आप ध्यान रखना, टेम्परेचर बढ़ाने पर वाटर की पीएच कम होगी, न्यूट्रल वाटर की बोल ही रहा हूं, न्यूट्रल वाटर की पीएच, पर वाटर का नेचर चेंज नहीं होगा। 25 डिग्री पर भी वाटर न्यूट्रल था, 62 डिग्री पर भी न्यूट्रल है, पर 25 डिग्री पर स्केल 0 से 14 वेरी कर रहा था, यहां पर स्केल 0 से 13 वेरी कर रहा है। बात समझ में आती है? तो हम मेजरली तो हम यही स्केल यूज करेंगे, बट कभी कभी वो आपको टेम्परेचर चेंज करके दे सकता है, उस केस में आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसे कॉपी करो, पिछले वाला कॉपी कर लिया, पहले ये कॉपी करो फिर उसको कॉपी करना। चलिए तो देखें, ये आपका पीएच स्केल है। अब पीएच स्केल को हम लोग यूज करना सीखेंगे, इसको हम यूज करें, उससे पहले मैं आपको कुछ लॉग वैल्यूज यूज करना सिखा दूं, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखना, सबसे पहले तो आप याद रखें कि लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। यूज करने के लिए हम 0.3 ले लेते हैं, ये लिख लो, जब भी काम में आए देख लेना। लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.4771, जैसे हम 0.47 यूज कर लेते हैं, या आप चाहो तो 0.48 भी यूज कर सकते हो। सिमिलरली लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.699, जिसे हम 0.7 यूज करते हैं, और सिमिलरली लॉग 7 की वैल्यू होती है 0.84। ठीक, उसके अलावा एक ये ध्यान रखना, ये बहुत काम में आएगा आपके भी आगे चल के, लॉग ए इंटू 10 to the power -b, यानी यहां एक नंबर होगा, फिर 10 के पावर में माइनस में एक नंबर होगा, उसको आप डायरेक्टली कितना लिख सकते हो, b - log a। क्या लिख सकते हो, b-, जैसे मान लो मैंने आपसे लिखा, सॉरी हाँ ठीक नहीं, माइनस लॉग ऑफ है ना, इसका नेगेटिव लॉग ले रहे हैं अपन। जैसे मैं लिखूं माइनस लॉग ऑफ 2 × 10⁻⁵, बताओ क्या लिख पाऊंगा इसको, मैं देख के बताओ क्या लिख पाऊंगा, 5 - log 2। मान लिखा मैंने लिखा माइनस लॉग ऑफ 5 × 10⁻⁶, बताओ क्या लिख पाऊंगा, 6 - log 5। दिख रहा है? मैं लिखता हूं माइनस लॉग ऑफ 1.8 × 10⁻⁴, बताओ क्या लिख दूं उसको, 4 - log 1.8। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, अब यूज करते करते अपने आप परफेक्ट हो जाओगे। मैंने लिखा माइनस लॉग ऑफ 6 × 10⁻⁸, तो क्या लिख सकता हूं, 8 - log 6। सही है? अब देखो अगर मुझे इनको भी सॉल्व करना हो, वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी, तो बताओ लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3, तो 5 - 0.3, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4.7। दिखता है? जैसे ये है 4 - log 1.8, 1.8 को हम 18/10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, है ना, पॉइंट हटा दिया। तो देखो या तो इसको कैंसिल कर लो, 2 से 2, 9 से 18, 2 5 से 5,
तो ये बन गया 4 माइनस लॉग 9 बाय 5, सही है। बताओ लॉग ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी क्या होता है, ये होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। जैसे लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, वैसे लॉग ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो 4 माइनस ये बन जाएगा लॉग 9 माइनस लॉग 5। तो देखो 4 माइनस लॉग 9 माइनस माइनस प्लस लॉग 5। फिर देखो लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है, लॉग ए की पावर एक्स क्या बन जाता है, एक्स लॉग ए, पावर आगे आ जाती है। तो ध्यान से देखो 4 माइनस, बताओ 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 2 प्लस लॉग 5। देखो लॉग 5 की वैल्यू कितनी है, ये रही 0.7। देखो लॉग की प्रॉपर्टी यूज करो, पावर आगे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 2 लॉग 3 प्लस 0.7। तो 4 माइनस 2 इंटू लॉग 3 की वैल्यू 0.48 यूज कर लेते हैं इंटू 0.7, सॉल्व कर लो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ऑल दो आप चिंता ना करें, आपके केस में इतनी कैलकुलेशन नहीं करवाता है, बट फिर भी हमको एक रफ आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको सिखाया। देखो जैसे ये है 8 माइनस लॉग 6, अब लॉग 6 तो मुझे नहीं पता, लेकिन देखो मुझे लॉग 3 और लॉग 2 पता है, क्या मैं 6 को 2 इंटू 3 लिख लूं? बताओ लॉग ए इंटू बी क्या होता है, तो बन जाएगा लॉग 2 प्लस लॉग 3 प्लस माइनस माइनस लॉग 3। फिर से वैल्यूज रख दो, सॉल्व कर लो, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ रहा है, इस चैप्टर में अपने को थोड़ा सा लॉग वैल्यू से खेलना पड़ सकता है, बट मेजर आपको ये पता होना चाहिए, ये सब अपने बहुत काम में आता है। ठीक है भाई, देखो हमें पता लग गया पीएच स्केल क्या है, पीएच क्या है, और पीएच कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, सॉल्यूशन का जो भी एच प्लस है उसकी माइनस लॉग वैल्यू लेनी है। क्या लेनी है, लिख लिया ये सब। बढ़ो आगे, लिखो जल्दी लिखो, हाँ भाई चलें आगे। अब देखो हम, अब आप ध्यान से सीखे चीजों को, कैलकुलेशन ऑफ पीएच इन डिफरेंट केसेस। तो अलग अलग केसेस में हम लोग पीएच कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। इसमें सबसे पहला है हमारे पास फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस के लिए हम कैसे पीएच कैलकुलेट करेंगे, ये हम लोग यहां पर सीख रहे हैं। तो देखो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एनी स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस विल बी 100% आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर आपके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो पानी के अंदर हमेशा क्या होगा, 100% आयोनाइज्ड होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि लेट से कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.1 मोलर एचसीएल, मैंने आपसे बोला, या फिर मैंने आपसे बोला 10^-3 मोलर HNO3, या फिर मैंने आपसे बोल दिया 0.01 मोलर H2SO4। अज्यूम
स्ट्रॉन्ग डाइप्रोटिक। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको पीएच निकालनी है, मतलब आपको नेगेटिव ऑफ क्या करना है, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। तो आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि कहीं से मुझे इस सॉल्यूशन की क्या मिल जाए, पीएच मिल जाए, मतलब एच प्लस कंसेंट्रेशन मिल जाए। तो आप देखो ये एचसीएल है, क्योंकि एचसीएल एक स्ट्रांग एसिड है तो ये 100% टूटेगा और क्या बनाएगा, एच प्लस एक्वस प्लस सीएल माइनस एक्वस। तो आप देखो ध्यान से, इसकी कंसेंट्रेशन कितनी है, 0.1 मोलर। बताओ एक से एक बन रहा है तो 0.1 से ये कितना बनेगा, 0.1, और ये भी कितना बन जाएगा, 0.1। मुझे इससे मतलब ही नहीं है कि मुझे तो क्या चाहिए, पीएच। बताओ पीएच किससे आएगी, तो यहां से आप देखो जब पीएच लिखोगे तो बन जाएगी माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। सो माइनस लॉग ऑफ 0.1। देखो माइनस लॉग ऑफ 0.1 को मैं क्या 10^-1 लिख सकता हूं, है ना। 0.1 क्या होता है, 1/10, और 1/10 हो गया 10^-1। लॉग की प्रॉपर्टी यूज करो, माइनस 1 को आगे ले आओ तो बन जाएगा 1 × log 10। और बताओ log 10 खुद कितना होता है, तो पीएच कितनी आ गई, 1। देखो यहां HNO3 मैं आपको सिखा चुका हूं, HCl HNO3 है ना, सब एग्जाम्पल लिखवाए थे, HBr HF, HNO3 हो गया, HClO4 हो गया, HBr हो गया, H2SO4 भी हम पूरा स्ट्रॉन्ग एसिड लेकर चल सकते हैं। तो ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, धीरे धीरे भी आप और चैप्टर में यूज करोगे आपको अपने आप पता लगते जाएंगे। तो HNO3 ये टूटेगा, 100% आयनाइज होगा, बताओ ये कितना है, 10^-3 मोलर। तो ये भी आयनाइज होगा, क्या बनाएगा, एच प्लस प्लस NO3-। तो बताओ 10^-3 मोलर से ये भी कितना बनेगा, 10^-3, ये भी कितना, 10^-3। अब देखो फिर से आपको पीएच निकालनी है, तो बताओ पीएच का फॉर्मूला, सो माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। देखो माइनस लॉग एच प्लस कितना है, 10^-3, माइनस 3 आगे आ गया तो ये बन जाएगा 3, क्योंकि लॉग 10 की वैल्यू तो कितनी होती है, 1। यहां देखो ये है H2SO4, इसने खुद बोल दिया है अज्यूम स्ट्रॉन्ग डाइप्रोटिक एसिड। तो बताओ H2SO4 टूटकर क्या बनाएगा, 2H+ SO4 2-। अब देखो ये 0.01 है, तो ये मैं इसको 10^-2 लिख दूं, 0.01 को। ध्यान से देखो एक से कितना बन रहा है, 2, तो बताओ 10^-2 से कितना बनेगा, 2 × 10^-2। ये आ गई एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर आप पीएच लिखना चाहते हो तो पीएच क्या बनेगी, माइनस लॉग ऑफ 2 × 10^-2। प्रॉपर्टी यूज करो लॉग की, अभी सिखाया था, बताओ इसको क्या लिख सकता हूं, 2 − log 2, अभी सिखाया था ना पिछले पेज पे, ये देखो कोई बात नहीं, यूज करते अपने अपने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 − बताओ log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3, तो पीएच कितनी आ गई, 1.7। ये सब एसिड्स हैं, एसिड्स क्या देते हैं, एच प्लस। अगर आपके पास बेस हो, जैसे मान लो इसी में एक क्वेश्चन में से लिखूं, पीएच ऑफ 0.01 मोलर NaOH, तो बताओ NaOH टूटकर क्या बनाएगा, Na+ + OH-, 0.01 यानी 10^-2। तो अब आपको OH- माइनस मिल गया 10^-2, ठीक है। तो हम POH निकालते हैं पहले, कैसे निकालेंगे, माइनस लॉग ऑफ OH-। तो देखो माइनस लॉग ऑफ OH- कितना है, 10^-2 है, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करो, माइनस 2 बाहर, ये बन गया 2 log 10, और 2 log 10 2 हो गया।
लेकिन ये पीएच नहीं आई, ये क्या आई है? पीओएच। क्या आई है तो बताओ, पीएच प्लस पीओएच कितना होता है? 14। कुछ नहीं दिया है तो अपने को 14 मान के चलना है। क्या मान के चलना है? तो देखो पीएच प्लस पीओएच 14, पीओएच के लिए यहां रखो तो यहां से पीएच की वैल्यू कितने मिल जाएगी? 12। तो आपको किसी भी सॉल्यूशन की पीएच निकालनी है, सबसे पहले आपको उसके लिए क्या ढूंढना है? एच प्लस ढूंढना है। क्या ढूंढना है बोले, समझ में आता है? कॉपी करो। हाँ तो लिख लो आराम से, जमा जमा के लिखो। बढ़िया, से अगर आपको पढ़ाएंगे तो लिखेंगे। अब खैर चलिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए। कैलकुलेट पीएच ऑफ 10^-4 मोलर NaOH। ये सही है? बताओ आंसर। हाँ वेरी गुड अंश, गलत है आपका आंसर। देखो ये NaOH है, टूट कर क्या बनाएगा? Na++। तो अगर ये 10^-4 मोलर है तो OH- भी कितना होगा? तो यहां से OH माइनस की वैल्यू 10^-4 आ गई है, तो बताओ POH कितना आ जाएगा? 4। और PH 4, तो PH प्लस POH कितना होता है? 14। तो बताओ PH की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। समझ में आ रहा है? तो बहुत सिंपल है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है तो PH से निकालोगे, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो उससे पहले POH, और पीएच को 14 में से माइनस करके आप क्या निकाल सकते हो? पीएच। चलिए बहुत ही बढ़िया, फिर चलते हैं आगे और देख सेकंड केस। पीएच ऑफ 스트롱 एसिड एंड 스트롱 बेस। आप एक 스트롱 एसिड और 스트롱 बेस को मिक्स कर रहे हो, थोड़ा सा अब यहां पे हमने जैसे मोल में पढ़ा है वो चीज काम में आएगी। इसमें कोई थ्योरी नहीं है, इसलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि मान लो आपके पास 300 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl है, उसके साथ आपने मिक्स किया है 200 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH को। आपको pH ऑफ फाइनल सॉल्यूशन बतानी है। क्या बतानी है? पीएच ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। तो आप समझने की कोशिश करना है, आप सब खुद करना है आपको। बताओ HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। और बताओ NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। और एसिड को बेस पसंद है, बेबी का तो बता नहीं पर एसिड को बेस पसंद है। तो अगर एसिड को बेस पसंद है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं आपके पास। मेथड वन,
क्या आप HCl लो, उसकी रिएक्शन NaOH से करवाओ। HCl और NaOH रिएक्ट करके बताओ क्या बनाएंगे, है ना, नमक का पानी, NaCl प्लस H2। ये आप आगे चलकर सीखोगे NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है। क्या होता है? इट डज नॉट अफेक्ट pH ऑफ सॉल्यूशन। ये कभी भी सॉल्यूशन की pH को अफेक्ट नहीं करता है। अच्छा, फिर क्या? फिर कुछ नहीं। ध्यान से देखना, मैंने आपको बहुत समय पहले की बात है एक फॉर्मूला सिखाया था कि अगर आपको मोलैरिटी और वॉल्यूम पता है तो उसको मल्टीप्लाई करके आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो। सुना है कभी ऐसा? है, सही है, सुना तो है। तो देखो ये HCl है, ये रहा इसका वॉल्यूम, ये रहा इसकी मोलैरिटी। तो बताओ HCl के कितने हो गए? 300 × 0.1। अब देखो ये मिलीलीटर है ना, तो आपको ये क्या मिलेंगे? मिलीमोल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? तो बताओ 300 × 0.1 कितने आ गए? 30 मिलीमोल्स। कितना आ गया? NaOH 200 × 0.1 कितना आ गया? 20 मिलीमोल्स। कितना आ गया? अब देखो, बताओ इन दोनों में से कौन पहले खत्म होगा? ये खत्म, जीरो। बताओ 20 के लिए 20 खाएगा तो इसे कितने मिलीमोल बच जाएंगे? 10 मिलीमोल HCl बच जाएंगे, है ना। अब आप बताओ HCl खुद टूट कर क्या बनाएगा? H++। तो इसके 10 मिलीमोल से ये भी कितना बनेगा? 10, और ये भी कितना बनेगा? 10। अब बस, ये और कुछ करना है? है ना, आपको क्या निकालनी है? pH। बताओ pH क्या होती है? माइनस लॉग एच प्लस। यहां पे ये एच प्लस क्या होता है? मोल्स होते हैं या मोलैरिटी होती है? अग्रम पक्का? अग्रम नीचे मुंडी कर लेता है, मेरा नाम मन लग जाए। कभी भी आपको छुपना हो ना किसी से तो गर्दन नीचे नहीं करते, ऐसे आंख में आंख मिला के देखते हैं, आपसे पूछेगा ही नहीं, इसको तो आता है। अब आप पहले ही मुंडी नीचे कर लो तो समझ जाए मुंह छुपा रहा है, ये चोर की दाढ़ी में तिनका है ना। आप अपने पड़ोसी को देखो, आता नहीं है, बिल्कुल गर्दन ही ऊपर रखता है बिल्कुल हमेशा। पीछे वाले को भी देख लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उधर डायगनली भी देख सकते हो। हैं, कौन स्ट्रेट ही रहना चाहिए, तो बेंड हो जाओगे तो कोबड़ निकल जाएगा। ध्यान से देखो, ये क्या है? मोल्स। क्या है? तो अगर आपको H प्लस की कंसेंट्रेशन चाहिए तो फाइनल मोल्स को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? फाइनल वॉल्यूम से। तो देखो 300 इसका और ये फाइनल मोल्स, ये फाइनल वॉल्यूम। Why are you so much hussing? क्या? Very dangerous? गर्मी लग रहा है? Remove the jacket.
ये समझ में आ गया? तो देखो H प्लस कितना आ गया, 1/50, बस इसके लिए यहां रखो, तो pH कितना बन जाएगा, माइनस लॉग 1/50। तो देखो लॉग 1/50 को मैं लॉग 1 माइनस लॉग 50 लिख सकता हूं, लॉग 1 कितना होता है 0, तो लॉग 1/ कुछ भी लिखा हुआ ना, तो आप उसके आगे सीधा माइनस लॉग लिख, इसको आप माइनस लॉग 50 सीधा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो लॉग 1 0, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो पीएच की वैल्यू आ गई लॉग 50, 50 को हम लिख सकते हैं 5 × 10, बोलो लिख सकते हैं, लॉग 5 × 10 को हम लिख सकते हैं लॉग 5 + log 10, लॉग 10 कितना भन, लॉग 5 कितना 0.7, पीएच कितनी आ गई 1.7। यह है तरीका नंबर 1, चाबो। फिर देखते हैं तरीका नंबर 2।